प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा ऑडियो वीडियो कैसेट सीडीज डीवीडीज और प्रकाशन साहित्य माटे संपर्क करो संगीत की दुनिया परिवार महुआ ईमेल sangeetnidunia@yahoo.com वेबसाइट www.morari-bapu.org सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा सत्य प्रेम करुणा और मैं बहुत शर्मिंदा हुआ लेकिन हारा नहीं और मैं अहिंसा का प्रयोग करता रहा और बापू कहते हैं कि मुझे पता है कि खुद की शब्द सुनिए गांधी जी के और खास करके युवान भाई बहन मेरे राज्य के मेरे राष्ट्र के मेरे विश्व के एक कथा वर्ल्ड वाइज लाइव टेलीकास्ट हो रही है। मैं प्रार्थना करूंगा युवा व्यक्ति को कि बापू ने कहा था कि व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी इच्छा से अंतिम आदमी के बाद खड़ा रहेगा तभी उसकी मुक्ति होगी, इससे पहले मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति की यह जो परिभाषा है गांधी जी की, इस विचार को आज बहुत प्रकाशित करने की जरूरत है और रामचरितमानस ने यही काम किया है, राम कथा ने यही काम किया है। तो मेरे भाई बहन, यहां केवल श्रोता बनकर मत आना, श्रोता तो आप है ही, लेकिन मैं प्रार्थना करूं यहां साधक बनकर आना। राम की कथा से आप अपरिचित नहीं हैं, अब राम कथा ही कहनी है तो एक मिनट में पूरी हो जाए, बस अभी वर्षा भी नहीं है, थोड़ी धूप भी है, अभी पूर्ण होती हो जाए। एक था राम एक था रावण, दोनों के बीच में तकलीफ हुई, जानकी जी को रावण ले गया, राम जी ने चढ़ाई की, लंका को हराया, सीता को लेकर आए, राम कथा पूरी हो। श्रेयांश भाई भी छूटे और मैं भी छूटा। नहीं साहब, क्यों बापू ने कहा कि मुझ पर रामायण का गहरा असर है, राम नाम का बल मुझे बहुत प्राप्त हुआ है। गांधी बाबू, ऐसे एक युग पुरुष महात्मा श्राद्ध पक्ष में हम सब साधक बनके उनको श्रद्धांजलि समर्पित करने के लिए एकत्रित हैं। पक्ष श्राद्ध पक्ष है और बापू की श्राद्ध विधि, बापू को श्रद्धांजलि ऐसे ही दी जाए कि हम सब इस गंभीरता से यहां बैठे, कम लोग आए, कोई आपत्ति नहीं, मैं चाहता हूं कि कम लोग आए, मैं सही में चाहता हूं, मैंने भीड़ बहुत देख ली, कम आए। घर घर में अब टीवी लगा है, सब जगह लाइव हो रहा है, आराम से कुर्सी में बैठकर चाय पीते पीते सुनो और कुछ मत पीना। फिर भी यहां आप आते हैं तो कम लोग आए उसकी मुझे चिंता नहीं है, महामहिम हमारे गुजराती भाषा के एक समर्थ साक्षर कवि उमाशंकर जोशी ने कहा था कि एक साल जीना है तो गेहूं बोवो कमोद बोवो, 20 साल जीना है तो आम बोवो, लेकिन 100 साल जीना है तो मनुष्य बोवो, मनुष्य को खड़ा करना। पूज्य बापू गांधी बापू दो पैरों से विश्व में भ्रमण कर गए, एक कदम सत्य था, दूसरा था अहिंसा।
गांधी जी ने अपने आत्मकथा में कहा है कि सत्य से दूसरा परमेश्वर की मेरे अनुभव में कल्पना नहीं है। सत्य से कोई दूसरा ईश्वर हो सकता है ऐसे मेरे अनुभव में कुछ नहीं है। सत्य है इज परमेश्वर बापू नो बोल। लेकिन उसने कहा कि उसी सत्य पाने का एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इस न्याय से इस सत्य को बहुत एंगल से देखा जाए। लेकिन पूज्य बापू गांधी जी कहते हैं कि इस सत्य को पाने का मेरे अनुभव में एक और एकमात्र उपाय है अहिंसा। और आज पूरे विश्व को फिर उस दो पैर लेकर चलने की विशेष आवश्यकता है सत्य और। इसलिए मानस से मैंने इस सत्य की और अहिंसा वाली चौपाई मानस महात्मा के लिए चुनी है। आप याद रखें और सब गाएं इसी प्रार्थना के साथ। फिर मैं एक बार गाऊं, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। गाइए बाप, परम श्रुति सत्य समान रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। और उसी रामचरितमानस में गाया गया कि अहिंसा के समान कोई परम धर्म नहीं। ये दो जो बातें हैं गांधी जी ने अपने जीवन में चरितार्थ की, इसलिए दो पंक्तियों के आधार पर मानस महात्मा का गान हमने दांडी में किया, फिर कुछ यहां करने जा रहा। शास्त्रों में, महाभारत में, ग्रंथों में, उपनिषदों में कुछ संकेत मिलते हैं, आगम निगम आदि ग्रंथों में, विश्व के साहित्य में, हमारी संतवाणी तक महात्मा के जो जो लक्षण गिनाए गए, बताए गए रामचरितमानस तक, उसको देखकर मैं आपके सामने वो महात्मा के लक्षण पूज्य गांधी बापू में है कि नहीं वो बात कहना चाहता हूं। मुझे किसी ने कहा दो दिन पहले कि भाई गांधी बापू की आज कई लोग कई भूल निकालते हैं, बापू की ये भूल है, फला है, ये है। अरे भाई दुनिया में कोई भी व्यक्ति में, तो मुझे पूछा गया कि आप वो प्रश्न ऐसी बात। मैंने कहा भी भूल खोजना मेरा काम नहीं है, शुभ खोजना मेरा काम है। विद्वान लोग ये परिश्रम करें कि भाई कौन भूल है कौन क्या, ये मेरा कोई काम नहीं है। मेरा काम है संत हंस गुण गह ही परिहरि वारी विकार। मैं भी कोई हर एक बात से शायद बापू के साथ सहमत न भी हो, मुझे भी अपने विचार हो सकते, लेकिन मुझे तो इस महात्मा मोहन साउथ अफ्रीका के सालों तक जेल में रहे नेल्सन मंडेला, कितने सालों तक, और गांधी जी से प्रेरणा पाई इस आदमी ने, टॉलस्टॉय फार्म जोनिसबर्ग में जब मैं गया
पर हमने वहां जाकर कहा कि भाई ये बापू का स्थान है, उसका कुछ अच्छे ढंग से कुछ होना चाहिए, ये क्यों ऐसा पड़ा है। फिर वहां के लोगों ने, यहां से सब लोगों ने कुछ योजना बनाई, हम भी उसमें हमारी क्षमता के अनुसार जुड़े रहे। और मंडेला जी ने कहा था कि बापू को कहना कि वो टॉलस्टॉय फार्म का विकास करना हो उसमें मैं जरूर हाजिर रहूंगा। बहुत आदर गांधी जी के प्रति मंडेला जी, उसकी एक एक बात बहुत अद्भुत है। उसने भारतीयों को एक मैसेज दिया कि आप लोगों ने हमको मोहन दिया था, हमने हिंदुस्तान को महात्मा बनाकर वापस किया। आपने दिया था मोहन, हमने उसको महात्मा बनाकर भारतीयों को वापस दिया। ए महात्मा, और आत्मा मरती नहीं तो महात्मा कभी मर सकता है? आत्मा यदि मरती नहीं गीता के न्याय से तो महात्मा तो मरेगा ही नहीं। पूजनीय गांधी बापू विचार के जरिए आज भी इतने ही प्रस्तुत है। तो सत्य और अहिंसा जो गांधी बापू के बहुत बड़े कट्टर के कट्टर से कट्टर आलोचक गांधी जी के, वो भी कहते हैं कि बापू उसके बारे में हम कभी आलोचना करते हैं कि बापू ने ये किया ठीक नहीं किया, ये किया ठीक नहीं किया, ये हम सब कहते, लेकिन उनके सत्य के ऊपर ताकत में विश्व में कोई उंगली उठा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर तस्वीर लटक जाए, वो तो कोई लटक गया हो उसी के जीवन में ही लाभ मिल सकता। वहां ये कोई आसान काम नहीं है, वो तो कोई लटक जाए, लटक जाए मानी कोई कुर्बान हो जाए। अरे सामान कर घर की बातों में भी लोग ऐसी बात करते हैं। एक फैमिली पति पत्नी गोवा गए घूमने, जगदीश भाई घूमने गए गोवा, तो वहां जीसस क्राइस्ट का वो वधस्तंभ पर बड़ा स्टेच्यू या तो बहुत कोई मूर्ति होगी वहां उसकी, तो पत्नी जरा जीसस के प्रति अहोभाव, तो जीसस क्राइस्ट के पैर छुए प्रणाम किया, ये सब पत्नी ने किया। तो पति महोदय ने क्या कहा कि जीसस का पैर छूती है, मैं तेरा पति हूं, मेरा पैर भी कभी छू? तो पत्नी ने कहा तू भी पहले लटक जा, पैर तो उसके छुए जाते हैं साहब। जो समाज के लिए जन जन के लिए निछावर हुए हो, तो मानस महात्मा, महात्मा के जितने लक्षण मानस में आए, मैं पहले दिन आपको इतना ही कहूंगा कि रामचरित मानस के 7 सोपान जो है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर, 7 कांड, वो 7 महात्मा के लक्षण है। और इस 7 लक्षण की चर्चा अब आगे 8 दिन में कर ले तो भी काफी है। इस 7 कांड का एक केंद्र बिंदु, एक मध्यवर्ती विचार जो है वो महात्मा के लक्षण है। बालकांड से मेरा अभिप्राय है निर्दोषता, निखालसता, हृदय की आर पारता, ये बालकांड का महत्व। और कोई भी महात्मा, उनका ये पहला गुण होना चाहिए निर्दोषता, आर पारता, निखालसता। बहुत मुश्किल है, ये संत का लक्षण है। फिर अयोध्या कांड में आप जाओ तो अयोध्या कांड की मेरी परिभाषा है एक अर्थ में सम्यक संयम, ये महात्मा का दूसरा लक्षण है। कपड़े कोई भी पहनो क्या फर्क पड़ता है? गांधी बाबू कहां तिलक करते थे, इतना
कहां वो दाढ़ी वाड़ी बढ़ाते थे, एक पोतड़ी पहनकर आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया, अब दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने। निर्दोषता, और फिर अयोध्या कांड का मेरा मतलब है सम्यक संयम, जितना चाहिए इतना अपने जीवन पर संयम, न ज्यादा। हां बापू ने कुछ प्रयोग ऐसे भी किए हैं कि जरा ज्यादा लगते हैं, लेकिन उसमें मैं नहीं जाऊं, वो छोड़ देता हूं और लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सबको काम सौंप दूं, हर बात में कितना मैं उठा पाऊंगा। देखो भाई, क्रिकेट की मैच होती है ना तो सब एक ही फील्ड में होते हैं, लेकिन फील्डर एक लाइन में नहीं खड़े रहते, कोई स्लिप में, कोई गली में, कोई विकेट कीपर, कोई बाउंड्री ऊपर। ऐसे भारतीय संस्कृति के फील्ड में, बापू के विचार को देखने के फील्ड में सबकी नियुक्ति बिलक बिलक, उसमें मेरी भी एक नियुक्ति है, मेरी एक जगह है साहब, मैं फील्डिंग कर रहा हूं, दूसरे खड़े हो वहां मुझे खड़े रहने की जरूरत नहीं है, कोई गली में खड़ा है नहीं, मेरा कैप्टन कहे वहां मैं खड़ा हूं। अंपायर कहे वो नहीं, मेरा कैप्टन, और मेरा कैप्टन है मेरा हरि, मेरा प्रभु, मेरा राम, मेरा सत्य। कितना हो क्रिकेट, 11 हो ना, 11 11 के नहीं नहीं एक फील्ड में तो सब एक लाइन में होना चाहिए, तो बीजी मिनट टीम घरे आवे। सबकी जीवन के क्षेत्र में, जीवन के क्रिकेट के मैदान में सबकी अपनी अपनी अस्तित्व की ओर से नियुक्ति होती है, मुझे शुभ देखना है, मैं यही। और कहां कहां हम देखे कि बापू ने, आज बहुत सी चर्चाएं होती है और मैं गांधी जी पर बोलने लगा तब से तो मेरे साथ भी बहुत चर्चा होती है कि बापू की इस बारे में निर्णय के बारे में आप क्यों। मैंने कहा भाई वो निर्णय बापू जाने और आपको भगवान दीर्घायु करे, क्योंकि उससे बात तो तभी हो सकेगी ना। मेरा ये काम नहीं, मैं सच के, हम कई विचार ऐसे होते हैं, हर बातों से सम्मत होना जरूरी नहीं है, और हर बातों से सम्मत न हो उसमें बापू भी राजी होते हैं कि अच्छा बेटा ठीक बात है, अपनी अपनी मौलिकता होनी चाहिए, लेकिन वो क्षेत्र मेरा नहीं है। अनगणित सद्गुणों का भंडार ये महात्मा विश्ववंद्य, उस नाते इस भूमि पर कौन नहीं आया विश्व का आदमी, कौन नहीं आया, राम कथा बाकी थी वो भी आई, यहां तो होनी ही चाहिए और हो रही है, होती रहेगी। अने कदाच कई मुश्किल आए तो नहीं रमता, मारो आ गुजराती वाक्य तुम्हारे याद करूं, नहीं रमता મેં શ્રેયાંતભાઈને કહ્યું કે જરાય હું જડ નથી, તમે ચિંતા, એમને મારી ચિંતા, બાપુ આપનું નામ અને કંઈક બરાબર ન વ્યવસ્થા થાય તો અમે અમારું ચિંતા ન કરો, એવું કંઈ હશે મને પૂછ્યું ગુજરાતીમાં થોડુંક, તમને આપણે હિન્દીવાળા બધા ન સાંભળે એટલે ગુજરાતીમાં થોડુંક કહી દઉં કે મને શ્રેયાંતભાઈ કે બાપુ એક વખત પોથી પધરાવી હોય ને પછી કંઈક મુશ્કેલી થાય પોથી લઈ લે, મેં કહ્યું લઈ લેવાય તલગાજરડા ભયું જોવાય, નહીં લેવાય, એમાં હું કોઈ જડવાદી છું જ નહીં સાહેબ, મેં પરંપરા કો ભી પ્રવાહી હો ઉસી કો કબૂલ કરતા, ધાગા ગણતરી ના કદી પણ ન પહેરી હે અંકિત શોભિત દેસાઈ કા શેર, ધાગા ગણતરી ના, કુવારો ત્રણ દોરા પહેરે, પરણેલો છ પહેરે, પણ એની પાછળ કઈ ગણતરીઓ ન હોવી જોઈએ કે આમ કરી નાખું આમ કરી નાખું,
કોકને ઉતારી દઉં કે હું આ છું, ધર્મગુરુ છું. ધાગા ગણતરી ના કદી પણ ન પહેરીએ, માનવતા માત્ર આપણું યજ્ઞોપવિત હોય. ગાંધીનું યજ્ઞોપવિત હતું. મેં એક બાર ગાંધી પર કિસી ગાંધી સંસ્થા મેં પ્રવચન દેતે સમય કહા કે બાપુ મેં મુજે ચારો વર્ણ પ્રત્યક્ષ દિખા, એ આદમી બ્રાહ્મણ હૈ ઇસલિયે ઉનકી યજ્ઞોપવિત કૌન સી થી વો મેં કહે રહા થા, યે આદમી ક્ષત્રિય હૈ, યે આદમી વૈશ્ય હૈ ઓર યે આદમી શુદ્ર ભી હૈ. સેવા કે ક્ષેત્ર બાપુ ક્યા નહીં હૈ. કિસીને લિખા થા, એ વિચાર મુજે બહુ અચ્છા લગા થા. ફિર મેને દો તીન કથાઓ મેં કે ગાંધીજી તો અબ હુએ લેકિન ભગવાન કૃષ્ણ સે પહેલે હુએ હોતે ના તો વિભૂતિ યોગ મેં ભગવાન કૃષ્ણ કો ભી કહેના પડતા કે સત્ય ઓર અહિંસા કે માર્ગ કે પથિક મેં ગાંધી મેં હું. નાંતોસ્તિ મમ દિવ્યાનામ વિભૂતિનામ પરંતપ. એક વિભૂતિ હૈ, એક તેજ લકીર હૈ. ધાગા ગણતરીના કદી પણ ન પહેરીએ. આપણે ગણતરીના ધાગા પહેરીએ એમાં યજ્ઞોપવિત કી આલોચના નહીં હૈ, લેકિન યજ્ઞોપવિત માની ધર્મ કે આડ મેં જો ગણિત ગિના જાતા હૈ કે ઉસકો યે કર દું ઇસકો. અમારે એક મહારાજ પ્રવચન આપતા હતા, એક મહાત્મા પ્રવચન દે રહે થે. તો ઉસને કહા કે ભાઈ દેખો બહોત પુણ્ય કરના ચાહીએ, ને જો બહોત પુણ્ય કરેગા ઉસકો સ્વર્ગ મેં મર્સિડીઝ કાર મિલેગી. લે મર્સિડીઝ વહાં. ઇસલે ખૂબ પુણ્ય કરો, ખૂબ કરો તાકી મર્સિડીઝ મેં સ્વર્ગ મેં ઘૂમો. એક શ્રોતાને પૂછા જરા કમ પુણ્ય હો તો બોલે BMW મિલેગી. અચ્છા ફિર હમ ઇતના ન કર પાએ, ઇસસે ભી કમ હો તો ઇસસે ભી કોઈ ઓર ગાડી ટોયોટા કી ઓર જો જો કોઈ હોગી વો મિલેગી. ઇસસે કમ પુણ્ય હો તો બોલે તો રાજદૂત મિલેગા. સ્વર્ગ મેં ઘૂમો મોજ સે, ઇધર ઉધર કહીં ભી જાઓ આરામ સે ઘૂમો. પર કહા કે ઇસસે ભી કમ પુણ્ય હો તો સ્કૂટર મિલેગા બજાજ કા. ઉસે ભી કમ હો તો ક્યા સ્કૂટી, સ્કૂટી જરૂરી વો મે. ઠીક સભા તો ઇતની મહાત્મા કે પ્રવચન મેં ઇતની ડૂબ ગઈ કે ક્યા બાબાજી બોલ રહે, અદભુત ક્યા ગણિત લગાયા. અબ હુઆ એસા કે સબને પુણ્ય કા સંકલ્પ કર લિયા મહાત્મા કે કહેને પર, બાપુ કે કહેને પર. વો બાપુ નહીં, હમ જો કહેતે વો બાપુ. સાબને પુણ્ય શરૂ કર દીએ ઓર હુઆ એસા કે સબકી મૃત્યુ એક મહિને મેં હુઈ ઓર એક સાથ સબ વહી. એક મર્સિડીઝ મેં નિકલા. હલો બોલે આપ, બોલે હા બાપુ કો નહીં સુના થા કથા મેં, ઇતના પુણ્ય કરકે દિખાયા, દેખિયે સાહેબ આવજો. નિકલ ગયા. BMW વાલા નિકલા, ઉસને કહા હમને ઇતના કિયા થા. તો કોઈ તીસરા નિકલા, કોઈ મોટરસાઇકલ પર નિકલા, કોઈ લ્યુના પર નિકલા. આખીર મેં બિલકુલ લ્યુના પર નિકલા તો વો હસ રહા થા ઓર સબ મર્સિડીઝ વાલે કહે રહે તુને બહોત કમ પુણ્ય કિયે ઇસલિયે તુમે લ્યુના મિલી. તું હસતા ક્યું હે, તુજે રોના ચાહે. બોલે મેં ઇસલિયે હસ રહા હું કે બાપુ સાઇકલ પર આ રહે. પેડલ માર્યો જાય બાપુ. દાદા ગણતરી ના કદી પણ ન પહેરીએ. સાહેબ ગાંધી બાપુ ક્યું આજ વિશ્વ મેં પૂજ્ય હૈ, જીકર દિખાયા. મેરા જીવન હી મેરા સંદેશ હૈ ઓર કોઈ મેરા સંદેશ નહીં. યે કહેને વાલે મહાપુરુષ. ધાગા ગણતરી ના કદી પણ ન પહેરીએ, માનવતા માત્ર આપણું યજ્ઞોપવિત હોય. ઓર શેર સુનિયે, ઈચ્છું છું એવી દુનિયા
ઈચ્છું છું એવી દુનિયા કે અવતરતા જીવને મેં એસી દુનિયા કી કલ્પના કર રહા હું કે આ જો જીવ અવતરિત હો ઈચ્છું છું એવી દુનિયા જ્યાં અવતરતા જીવને ધર્મો પસંદ કરવાની રમણીય રીત હોય उसको खुद का अधिकार होना चाहिए कि मुझे किस धर्म का अनुयायी हो उस पर धर्म थोपना नहीं चाहिए कि तू यही कर और शोभित देसाई कहते मुझे मैंने कहा उसको कि बहुत अच्छा शब्द यूज किया रमणीय रीत हो क्योंकि धर्म पसंद करने की घातक रीतें समाज में आ गई है उसकी जगह एक रमणीय एक खूबसूरत रीत इच्छो छुए भी दुनिया જ્યાં અવતરતા જીવને ધર્મ પસંદ કરવાની રમણીય રીત હોય ધાગા ગણતરીના કદી પણ ન પહેરીએ માનવતા માત્ર આપણું યજ્ઞોપવિત હોય ગાંધી બાપુ સુપ્રીમ કોર્ટના જજની ઉપર ઉસકી છબી હોતી હૈ જો સમાજ કે લીએ કુરબાન હોતે હૈ इसलिए लोग आलोचना भी करते हैं लेकिन कुर्बान होने वाले गिनती नहीं करते मैं एक पंक्ति गाता रहता हूं आज से ही उद्घाटन कर दूं जमाने में अभी ऐसे कहीं नादान हो ले जाते हैं कश्ती जहां तूफान होते महफिल में क्षमा बनकर नहीं जलती साहेब मोहब्बत सबकी महफिल में क्षमा बनकर नहीं जलती जो हो तकदीर वाले बस वही कुर्बान होते गांधी कुर्बान है सत्य पर प्रेम पर करुणा पर अहिंसा पर इतनी खूबसूरत दुनिया मैं कल यात्रा में था तो हमारे एक ओशो भक्त ने ओशो रजनीश जी की कैसेट दी थी तो हम गाड़ी में लगाकर सुन रहे थे उसमें ओशो ने कहा कि 5000 साल पहले जो पत्थर के औजार थे आज 5000 साल के बाद अणु है उस समय में लोग पत्थर से 10000 साल पहले पत्थर से दूसरों को पत्थर के हथियार से दूसरों को मारते थे आज अणु से मार रहे हैं हथियार में विकास हुआ मारने वाले इंसान में कोई विकास नहीं हुआ हिंसक हिंसक ही बना रहा ये कथा इसीलिए है हम में विकास हो कभी न कभी विश्व को अहिंसा का मार्ग लेना पड़ेगा मैं कथाओं में डिम डिम घोष कर रहा हूं ढोल पीट रहा हूं कि भाई इतने युद्ध हुए विश्व में फिर भी कोई परिणाम नहीं आया तो एक बार तो प्रेम का प्रयोग कर लो और प्रेम से भी सफलता न मिले तो फिर युद्ध करो लेकिन एक बार तो प्रेम के मार्ग पर चले तो बापू में जो निखालसता है बालकांड की गांधी बापू में जो सम्यक संयम है मैं उसी पक्ष को ही पकड़ूंगा उसने कोई अति कुछ ऐसे प्रयोग किए जिसकी आलोचना लोग मुझे मुझे मेरा क्षेत्र नहीं है मैं मेरे कैप्टन के अनुकूल फील्डिंग कर रहा हूं मेरी जान नहीं उगती है फिर वो कहेंगे कि नहीं
जैसे फील्डिंग में सेटिंग किया जाता, वो मेरा कैप्टन मेरा हर, तो मैं वही भूमिका ले लूँगा। लेकिन एक लाइन में सब फील्डिंग नहीं कर सकते, सबकी अपनी अपनी, कोई इसी रूप से गांधी जी को देखे, कोई इसी, मेरा एक अपना नजरिया है। तारा ईश्वर तारा जीवो, मारा जीवो मारो ईश्वर, हरिद्वार गोस्वामी, सीधी सादी दो पंक्ति। गीताकार कहते हैं आदमी कैसा बोले, जैसी जिसकी श्रद्धा ऐसा आदमी, आदमी श्रद्धामय है। तारो ईश्वर तारा जीवो, मारा जीवो मारो ईश्वर, यही होना चाहिए। मुझे बापू जिस तरह दिखाई देते, मैं इतने पक्ष से, मेरी खिड़की से गांधी जी को देखूंगा, मुझे और क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं। आप लोग गजू ही नहीं, टूका पड़िए, गांधी जी नहीं माटे बातों करो, हम लोग टूका पड़िए, वो फील्डिंग दूसरे भरे कि बापू ने ये किया, बापू ने ये किया, बापू ने, वो भी एक पक्ष होता है, सबको अपना अपना अधिकार होता है। लेकिन हम तो संत हंस गुण गह ही पाए परिहरी वारी विकार। देखो भाई, विनोबा जी ने कहा, मुझे यहां विनोबा जी भी याद आएंगे, यहां तो कौन याद नहीं आएगा, कौन यहां नहीं आया, एक छोटी सी कुटिया में विनोबा जी रहे। विनोबा जी ने कहा कि चार प्रकार के लोग होते हैं, अधम, मध्यम, उत्तम, उत्तमोत्तम, ये विनोबा जी के बातें हैं। चार प्रकार के लोग होते हैं, एक तो बिल्कुल अधम गए बीते, दूसरे मध्यम, तीसरे उत्तम, चौथे उत्तमोत्तम। फिर उसने परिभाषा की विनोबा जी, एक ऋषि मेरे देश का, कहते हैं दूसरों के दोष ही देखे वो अधम व्यक्ति है, केवल दोष देखे कि बापू ने ये भूल की, गांधी बापू ने ये भूल की, फलाना ये भूल की, फलाना ने ये भूल की, फलाने, केवल दोष ही देखे वो अधम व्यक्ति है, ऐसा विनोबा जी का मानना। आप सोचिएगा उसके ऊपर। लेकिन गुण और दोष का वर्गीकरण करे हंस न्याय से, वो मध्यम व्यक्ति है, केवल दोष ही ना देखे, गुण भी देखे कि भई ये उनमें इतने गुण है, इनमें इतने दोष है, वो मध्यम है। फिर विनोबा जी को पूछा कि उत्तम कौन, बोले केवल गुण देखे और गुण ही ग्रहण करे सो उत्तम। और फिर कहे उत्तमोत्तम कौन, कि जो गुण ग्रहण की, गुण ही देखे, शुभ देखा, फिर उसका विस्तार करे, इस गुणों का गान करे, ये उत्तमोत्तम। व्यासपीठ से मुझे कहना हो ना तो श्रोता और वक्ता भी ये चार प्रकार के होते, मैं आपके साथ साथ चलूंगा। मैं साथ साथ नहीं चला तो मुझे भी साइकिल मिलने वाली है, और आपने तो साइकिल जो इस कारण के आपने स्कूटर चलावता आवड़तू नहीं, राजदूत आवड़तू नहीं, ले साइकिल भाव से मैं आपके साथ रहूंगा। वेद कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ में चलो, साथ में बोलो। श्रोता और वक्ता भी चार प्रकार के होते हैं। विनोबा जी की बात पर से यदि मुझे अपने विचार कुछ रखने हैं तो अधम, श्रोता और वक्ता दोनों, दोनों को साथ में ले रहा, दूसरों के दोष ही देखता रहे वो वक्ता भी अधम, और सुनने में कितनी भी अच्छी बातें आती हैं लेकिन वो न सुने और केवल दोष ही गिने कि कथा में ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, तो ऐसा श्रोता और वक्ता दोनों अधम। मध्यम कौन है, वक्ता और श्रोता, की दोष और गुण को बिलक करे कि भाई इतनी अच्छी बातें आ जाई, इतनी ठीक नहीं आई, सुनने वाले और बोलने वाले दोनों इस बात को सोचे। उत्तम कौन है, कि शुभ ही सोचे, शुभ ही ग्रहण करे, और उत्तमोत्तम वो है श्रोता और वक्ता जो शुभ है, गुण है, उसका विस्तरण करे, उसका फैलाव करे। बापू में अयोध्या कांड सम्यक
संयम के रूप में मुझे दिखाई दिया। महात्मा का दूसरा लक्षण सम्यक संयम। कोई भी महात्मा में यह होना ही चाहिए कि एक योग्य संयम, जितना जरूरी है इतना संयम वाणी पर, जीवन पर, हर चीज में। हम गांधी जी के जीवन के प्रसंगों से देखने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां यह है। रामचरितमानस का तीसरा सोपान अरण्य कांड, उसको मैं तपस्या का कांड कहता हूं। और तपस्या ये महात्मा का तीसरा गुण, जो तपस्या न करे महात्मा कैसा। तपस्या सत्येन लभ्यस्तपसा एष आत्मा, उपनिषदकार। अरण्यकांड महात्मा का तीसरा लक्षण है जो तपस्या है। और किष्किंधा कांड महात्मा का चौथा लक्षण है जो मैत्री का कांड है। मैत्र करुण एव च मैत्री। ये महात्मा का चौथा गुण है। किष्किंधा कांड का सारभूत सूत्र है मैत्री। एक दूसरे से मिलन, एक दूसरे से जुड़ जाना, परस्पर प्रीत करना, ये महात्मा का लक्षण है। वो खंडन मंडन नहीं। राजेश रेड्डी का शेर है, गीता हूं कुरान हूं मैं, गीता हूं कुरान हूं मैं, मुझको पढ़ इंसान हूं मैं। जैसे एक नारंगी और एक मौसम्बी दोनों को मिक्सर में डालकर कोई रस निकाले तो रस निकलने के बाद कोई ये नहीं कह सकता कि ये नारंगी है और ये खो जाते हैं। वैसे गीता और कुरान सभी शुभ बातों जहां जहां ग्रंथों में हो उसको लेकर कोई एक रस निकाले तो आदमी इंसान बन जाता है। गीता हूं कुरान हूं मैं, मुझको पढ़ इंसान हूं मैं। मैत्री शीतलता सरलता मैत्री, गोस्वामी जी कहते हैं ये महात्मा का चौथा लक्षण। पांचवा लक्षण है महात्मा का बंधक को मुक्त करना, आजादी देना। जान की बंधी थी, राम काल में एक मां बंधी थी, गांधी काल में मातृभूमि बंधी थी। दूसरों के हाथ में ये भूमि, ये राष्ट्र गुलाम था। सुंदर कांड को मैं आजादी का कांड कहता हूं। कोई हनुमंत तत्व जानकी को मुक्त करने का अभियान करे, जैसे नारा लगा था बंबई से क्विट इंडिया। मैं उस जगह उन गांधीवादी विचार के सद्भावना वाले सभी लोग, उसमें मैं भी था उस रैली में बंबई में, तो मैंने कहा था कि क्विट इंडिया के बाद एक और सूत्र आना चाहिए, स्वीट इंडिया, मधुर इंडिया, खूबसूरत इंडिया, वो भी लाना चाहिए। तो बाप जानकी को मुक्त कराने की जो योजना बनी, खोज हुई, आजादी का कांड है सुंदर कांड। गांधी जी महात्मा है उसमें। ए महात्मा वो है जो दूसरों को तारे, दूसरों को मुक्त करे, दूसरों को छोड़े। महात्मा वो नहीं कि दूसरों को बस जंजीर डालकर पकड़े रखे। महात्मा का छठा लक्षण है विरोध हो शत्रुता नहीं, उसको मैं लंका कांड कहता हूं। विरोध हो शत्रुता नहीं, राम जी को रावण के साथ शत्रुता नहीं है, विरोध है। शत्रुता होती तो रामचरितमानस में ये पंक्ति ना आती, गोस्वामी ना लिखे। जासु सुभाव अरिहि अनुकूला, जासु सुभाव अरिहि सो की मी कर
पातु प्रतिकूला सोखी मिहरी मातु प्रतिकूला। राम जी का स्वभाव है दुश्मन को भी अनुकूल होता है जिसका स्वभाव। वैरी के साथ कुछ बातों में विरोध हो सकता है, शत्रुता नहीं, भीतर द्वेष नहीं, ये महात्मा का लंका कांड वाला लक्षण है। विरोध हो किसी मत में, किसी सिद्धांत में, किसी विचारधारा में, लेकिन शत्रुता नहीं, दुश्मनी नहीं, ये संत का स्वभाव, ये लक्षण है। और उत्तरकांड ये महात्मा का अंतिम लक्ष्य होता है जिसको बुद्ध ने निर्वाण कहा है, निर्वाण। इसलिए गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में मैंने जो अभी कहा शुरुआत में कि स्वेच्छा से यदि कोई व्यक्ति अंतिम खड़ा नहीं रहेगा उसको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना वही निर्वाण को उपलब्ध होता है। तो मानस के साथ सोपान में जो महात्मा के लक्षण मेरी व्यासपीठ को नजर आ रहे हैं वो पूज्य गांधी बापू में दिखाई देते हैं। तो उसकी भी चर्चा करते हुए और महात्माओं के जो जो लक्षण हर जगह प्राप्त हैं वो बापू में कहाँ हैं वो हम देखें और कुछ गंभीरता से सोचें और प्रयास करें कि विश्व में शुभ की स्थापना हो, विशेष रूप में प्रकाश विशेष रूप में हो, हिंसा मिटे, सत्य स्थापित हो। इसलिए मानस महात्मा भाग दो इस तीर्थ भूमि पर, मैं फिर एक बार कहूं ये भूमि बड़ी चार्ज है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मुझे यहां बहुत अच्छा लगता है। हाँ इतना ही नहीं, गांधी विचार से जो हो गए गांधी विचार में, जो आज है गांधी विचार में और भविष्य में जो गांधी विचार में चलेंगे, इन सबको मेरा प्रणाम है। मैं क्यों अच्छा लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन पता नहीं बापू के विचार में जो उनके समकालीन थे, साथ साथ जिए, उनको भी मेरा नमन, आज है उनको भी मेरा नमन। और गांधी बापू के साहित्य को पढ़कर या तो सुन सुनकर कोई उसी डगर पर चलेंगे वो आने वाली पीढ़ी को भी मेरा नमन है। भये जे अहि होई आगे प्रणव हूं सब ही कपट सब त्यागे। तो इसलिए मुझे बहुत प्रस्तुत लगते हैं गांधी बापू। मैंने दांडी में भी कहा था कि ये उनका जो स्वरूप है, ये जो ध्यान मुद्रा है गांधी बापू की, बहुत से चित्र हैं कहीं उसमें भी सबने बिलुक बिलुक फील्डिंग भरी है। किसी ने कहा कि बापू दांडी यात्रा करते वो हमको बहुत अच्छा लगता है, किसी ने कहा बापू चरखा कांतते हैं वो हमको बहुत अच्छा, किसी ने कहा कि पंडित नेहरू और बापू एक तकिया लेकर के जो दोनों बात करते हैं वो हमको मुद्रा बहुत अच्छी लगती है, कोई कहता है कि सरदार पटेल साहब के साथ जब जो वो वार्तालाप होती वो, कोई कहता है वो सब की, लेकिन मुझे कोई कहे तो मेरी फील्डिंग ये है। ये स्वरूप तो देखो साहेब, कहते थे अंग्रेजों के साथ चर्चा करने से सफलता मिले न मिले मैं मेरा प्रशांत स्वभाव बिगाड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए मेघाणी ने कहा था शू थयू त्याथी ढींग लू लावो न लावो अन बोसा दई शू भले खाली हाथ आवो हैया लगी गड़वा गरल जट जावो रे बापू अन सागर पिनारा अंजलि नव ढोलजो बापू। बीजी गोल में जी परिषद विकराल केसरियाल ने पंपाल तो बापू अन घनघोर अने अजवाल तो बापू चालो तजे तुझ भूमियो भगवान छे बापू। सुर असुर ना आ नवयुगी उदधि वलोणे शी छे गतागम रत्नों ना कामी जनों ने हैया लगी गड़वा गरल जट जाओ रे बापू अने सागर पिनारा अंजलि नव
ढोल जो, ये स्वरूप मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रशांत। ये 16वां प्रेम का लक्षण है प्रशांत, जो मैं द्वारिका के गोपी गीत में कहा था, 16वां प्रेम लक्षण प्रशांत होगा। ये बहुत सुंदर लगता है, मेरी फील्डिंग ये है, ये स्वरूप मुझे अच्छा। क्या जीतना क्या हारना, अपना कर्तव्य करते जाओ। जो अपने कहा कौन देश में जो विकलांगों की वर्ल्ड स्पर्धा थी, दौड़ विकलांगों की, और उसमें बैन लोगों की थी, विकलांग सब उसकी एक रेस थी, स्पर्धा कितने मीटर की दौड़ थी, तो सब विकलांग बहनें दौड़ती थी, जा रही है, दौड़ी जा रही है, हुक्म हुआ तो पहले नंबर दूसरे नंबर जो आने वाले वो आ गए। इसमें एक लड़की लड़खड़ा गई, ये बनी घटना, गिर गई। अब वो तो पहुंच भी, एक तो विकलांग है और ये दो तीन लड़कियां एक दो तीन नंबर पर आगे होने के लिए निकल चुकी हैं और ये बेचारी गिर गई। इतने में जो पहला नंबर जिसको आने वाला था उसने मुड़कर देखा तो एक बहन गिर गई है। अब उनका पहला नंबर निश्चित था लेकिन वो रुक गई, वो लड़खड़ाती वो लड़की जो गिर चुकी थी वो वहां पहुंचती है, वो लौटी। उस लड़की ने कहा कि बहन, उस स्पर्धक ने कहा कि तुम पहले नंबर आने वाली थी और तू मेरे कारण रुक गई, तेरा नंबर चला जाएगा, तू विजयी होते होते पराजित होने। उसने बहुत सुंदर कहा कि जीवन में हर क्षेत्र में विजयी होना जरूरी नहीं, रास्ते में लड़खड़ा जाए उसको उठाना भी बहुत जरूरी है। केवल विजयी, केवल जीतो जीतो जीतो, खाक गिरे हुए को उठा लेना बीच में से, वो विजय को व्यास गादी सराहती है। गांधी जी की प्रशांत मुद्रा यही काम करती थी। तो रामचरितमानस के साथ आज तो मुझे था कि बस ये ऐसा वातावरण तो 10 मिनट भी मैं मुहूर्त कर लूं, लेकिन मैं तो बहुत चला, साइकिल बहुत आली भाई, वो निकली गई आगे, निकली गई सर। ये कृपा करे त्यारे शू न थाय, पर उसकी इच्छा न हो हाँ? तो वज्र को तिनका कर दे और तिनके को वज्र बना दे, ये उनका करिश्मा है। और मैं कल यात्रा में भी था, मुझे भी थोड़ी मैं चिंता नहीं करता, आप लोगों की चिंता हो रही थी कि भाई सब सोच रहे हैं कि क्या होगा, कथा का इतना बड़ा आयोजन है और बापू की तपस्थली में आयोजन है और फिर, लेकिन मैं चिंता विंता नहीं करता, मैं हरी इच्छा, अपने तो दो सूत्र है, अपने मन के अनुकूल हो तो हरी कृपा, अपने मन के अनुकूल न हो तो हरी इच्छा, बस नहीं रमता। आ साइकिल ली दिन निकले, क्या चिंता करें, क्यों हमें मौत के पैगाम दिए जाते हैं, क्यों हमें मौत के पैगाम दिए जाते हैं, ये सजा कम है कि जिए जाते हैं, जी रहे हैं इस भरे संघर्षमयी दुनिया में, ये कोई कम सजा है और मुसीबत कौन आने वाली है। गांधी बापू को देखते प्रशांत रहना हर हाल में, तो ये 7 कांड से 7 महात्मा के लक्षण मेरी नजर में है, उनकी चर्चा करेंगे आए दिनों में। आज इस कथा को यहाँ ही मैं विराम दूं, इससे पूर्व आइए गणेश और हनुमान जी को प्रार्थना करें कि अब दौड़ तेरे हाथ में है, गुजराती माँ कहू ना तो तारू ओढ़ू ओढ़ू से हमारे शू लेवा देवा भाई, तेरा तेरी चुंदरी ओढ़ी है हमने, तू लाज न रख, रखी ओ लला, तू राग न रखे तो कौन रखे, उस पर हम तो छोड़ देते हैं। गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन मंगल मूरति मारुत नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन।
ગણ ગાયે ગણપતિ જગ મંગલ મૂરતિ મારુત વર્ણાનામર્થ સંગારામ રસાનામ છંદસામ મંગલાનામ ચકરતારામ વંદે વાણી જો સુમિરત સિદ્ધિઓ ગણનાયક કરિવર બદન કરુદ્ધિરાશિ સુભગુણ સદન મુગો પંગુ ચરે ગિરિવર જાસુ કૃપા સુદયા દ્રવ સકલ કરિમલ દહન નીલ સરોવર તરુણ અરુણ બારિત નયન કરણુ સોમ મમ ઉરધામ સદા ચીર સાર સયન કુંદ ઇન્દુ સમદેહ ઉમા રમણ કરુણા અયન જાહિ પર ને કર કૃપા મરદન મયન બંદ ગુરુ પદ કમંજ કૃપા સિંધુ નર રૂપ હરિ મહા તમ કુંજ જાસુ વચન રવિ કર બંદઉ ગુરુ પદ પદુમ પરાતા સુરુચિ સુવાસ સરસ અનુરાગા અમિયમુનિ મય ચુરન ચારુ સમન સકલ ભવ ભુજ પરિવારુ સુકૃત સંભૂતન વિમલ વિભૂતિ મંજુલ મંગલ મોદ પ્રસૂતિ જનમન મંજુલ કિયે તિલક ગુણ ગણરસ શ્રી ગુરુ પદ નત જ્યોતિ સુમિરત દિવ્ય દ્રષ્ટિ હોતિ દલન મોહતમ શોષ પ્રકાશ બડે આવહિ જાસુ ગરિમલ વિલોચન કે મિટ વિલોષ દુઃખ ભર જનિક
जथा सुमंजन आदि दृढ़ साधक सिद्ध सुधा ओ तुक देखत सैर मन उतर दूरी गुरु पद रज मृदु मंजुल नयन अभियान ते कर बीमार विवेक विलोचन पर नुराम चरित भवोचन बंधु गुरु पद पदुमा परा सुरुचि सुभास सरस अनुरागा बंदौ गुरु पद। रामचरितमानस के मंगलाचरण के बाद पहला प्रकरण गुरु वंदना का है, उसकी पंक्तियों का हमने गान किया। आज की कथा को मैं यहाँ ही विराम दूं। इस पूर्व वैष्णव जन पर जाने वैष्णव जन जनो वर्ण लो भी कपट रहित काम क्रोध निवारे बने नर सहयों के ना दर्शन कूल को तेर जन कहिए रघुपति राघव सीताराम सीताराम बज प्यारे सीताराम सीताराम बज प्यारे सीताराम मुरारीश्वर तेरे रघुपति राघव जय जय रघु हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Pavan Tanay Sankat Harana Sita Sagita Hridaya Vasam Sura Bolie Hanuman पहले दिन की कथा को यहाँ विराम दिया जा रहा है, लेकिन फिर सूचना मेरे भाई बहन कि कल से यहाँ आओ और जाओ, तब आश्रम की कोई भी मर्यादा को ठेस न पहुँचे उसका पूरा ख्याल करने के लिए मैं आप सबको निवेदन कर रहा हूँ, आप जरूर उसका ख्याल करेंगे। दूसरी बात, कल कथा भी शाम को 5 बजे करेंगे, 5 से 7 कल भी, ताकि कुछ जो व्यवस्था के दौरान, वैसे तो कल सुबह भी हो सकती है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन थोड़ी व्यवस्था ठीक हो जाए इसलिए कल के दिन फिर 5 से 7 शाम को कथा होगी, फिर सोमवार से राबेता मुजब 9:30 से, अथवा तो कल घोषणा कर देंगे जो बाकी, तब तक सब आपके लिए बैठने के सब सुविधा ठीक हो जाए ताकि आप अहिंसा का निर्वाह करें। इसलिए कल 5 से 7 बजे फिर मिलेंगे। आज की कथा को मैं यहाँ विराम देता हूँ, आप सबको मेरा प्रणाम, और टीवी के जरिए से दुनिया में इस साबरमती आश्रम के गांधी तीर्थ से बही राम कथा को सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहनों को मेरा व्यास पीठ से प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं मेरी कथा को विराम दूं। बस अब कहीं क्या बाकी नहीं, तो आज की कथा यहाँ विराम ले रही है, कल शाम 5 बजे कथा का प्रारंभ करेंगे, 5 से 7 तो कल 5 बजे शाम को फिर मिलेंगे। सबको प्रणाम, जय सियाराम। आज की कथा को विराम, भाव से बोलिए बोलिए राम चंद्र भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, सदगुरु भगवान की। एक मिनट, ओम नमः पार्वती पछी करूं। यजमान परिवार आरती में आएंगे, मैं विनती करूंगा आश्रम के व्यवस्थापक अमृत भाई मोदी और वो भी आए, और इस आश्रम में रहने वाले जो दलित वर्ग है, हरिजन भाई बहन के जो भी हो, वो भी 2-4 व्यक्ति आए और वो सब मिलकर मानस की आरती उतारे, ऐसा मेरा निमंत्रण है। और नमः पार्वती पते हर हर महादेव, नाथ कृतार्थ भई तव दर्शन पकड़ा, आय सुदेव सफल होवर प्रभुआ करनी कलित, आरती श्री राम।
Arati Sri Ram.